नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। अगर आज आप पटना के गांधी मैदान की ओर जाने वाले हैं तो ये खबर बस आपके लिए है। आज नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में 1 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से चौकसी बरत रही है। बता दें कि फुटपाथ दुकानदारों पर पटना नगर निगम की ओर से कार्रवाई भी की गई है, यहां तक कि 500,000 तक के चालान भी काटे गए हैं। साथ ही साथ आज दिन भर ठेला हटाए रखने और अल्टीमेटम दिया गया है। गांधी मैदान में आज सरकार की ओर से मेगा इवेंट किया जा रहा है, जिसमें नव नियुक्ति शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन की ओर से गांधी मैदान के इलाके में सुबह से प्रवेश वर्जित किया गया है। वहीं गाड़ियां इस इलाके में चलेंगी जो प्रशासनिक और कार्यक्रम से संबंधित होंगी, जिससे आम लोगों की परेशानी इन इलाकों में आज बढ़ने वाली है। ये इलाका शहर का सबसे व्यस्ततम और भीड़भाड़ वाला है, जहां से रोजमर्रा कमाने खाने वाले लोग, नौकरी पेशा करने वाले लोग अधिक गुजरते हैं। सुबह से ही प्रशासनिक सख्ती होने के चलते पटना सिविल कोर्ट स्कूल पीएमसीएच जाने वाले लोग प्रभावित होंगे। सुबह में जैसे तैसे करके दफ्तर, स्कूल, कचहरी, अस्पताल पहुंच भी जाएंगे तो शाम में जगह जगह बैरिकेडिंग होने से काफी परेशानी होने वाली है। आसपास के स्कूल खुले रहेंगे, बंद करने की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसके लिए कोई रोडमैप भी तैयार नहीं किया गया है। बच्चे कैसे स्कूल आएंगे, स्कूल की गाड़ियां कैंपस में आएंगी या बाहर ही रहेंगी, निजी गाड़ियों से बच्चे कैसे स्कूल आएंगे, इसके बारे में भी कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे इनकी भी परेशानी आज बढ़ने वाली है। कुछ लोगों का इसको लेकर ये भी कहना है कि ये नियुक्ति पत्र तो लोगों को डाक से भी भेजा जा सकता था, सबको ऐसे ही दे देते, लेकिन बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं, शौचालय बनाए गए हैं, ये सब एक ढकोसला है। साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसमें कई तरीके की गड़बड़ी हुई है और जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पटना के गांधी मैदान के आसपास फुटपाथी दुकानदारों को भी ऊपर अल्टीमेटम देने के साथ कार्रवाई की गई। दुकानदारों ने बताया कि 500 से लेकर 1000 रुपए तक का चालान काटा गया है और अल्टीमेटम दिया गया कि कल दिन भर पैच और अल्टीमेटम दिया गया है कि आज दिन भर ठेला नहीं लगाना है, दुकानें नहीं खोलनी है। कुछ राहगीरों का यह भी कहना है कि दुर्गा पूजा में भी सख्ती बढ़ती गई थी, ऐसे कार्यक्रम में सख्ती नहीं बरतनी चाहिए, आम लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए, ये सही नहीं है। आज पटना के गांधी मैदान में बिहार सरकार का मेगा इवेंट होने वाला है, जिसमें 1 लाख से अधिक नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाने वाला है, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से कार्यक्रम को सही तरीके से करवाने के लिए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ तक कि कुछ दुकानदारों पर जुर्माना भी लगा है, 500,000 तक का उनका चालान भी काटा गया है और आज ठेला लगाने की मनाही कर दी गई है। साथ ही ट्रैफिक को लेकर भी आज लोगों को परेशानी हो सकती है। स्कूल के बच्चे कैसे स्कूल से वापस आएंगे, इसको लेकर भी अभी तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। इसको लेकर तमाम जानकारी हमने आपको विस्तार से दी इस रिपोर्ट में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।